अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रीसेट के बारे में कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को रीसेट कर सकते हैं। अब रीसेट करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेट्स सपोज आप एक बिगिनर हैं, आपने अपनी होस्टिंग के ऊपर एक वेबसाइट या एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और उसके ऊपर काम किया, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी सारी समझ आ गई, उसने आप वो आपने कर लिया, उसके बाद आपको वो पूरी वेबसाइट डिलीट करनी है। डिलीट करने के बाद आप लोगों को एक नई वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करनी है, राइट। तो इसमें होता यह है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, थीम डिलीट कर देते हैं, प्लगइन डिलीट कर देते हैं, बट बाकी चीज़ें जैसे बैकएंड पे डेटाबेस और वो सारी चीज़ें आपस में फिर कन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं जब आप नया डिज़ाइन करना शुरू करते हो, नया थीम अप्लाई करते हो, राइट। तो उसके लिए हमें पूरा वर्डप्रेस वाइप अप करना होता है, पूरा रिफ्रेश करना होता है, रीसेट करना होता है, राइट। तो उसको करने का सही तरीका क्या है ताकि आपको वर्डप्रेस दोबारा से भी इंस्टॉल ना करना पड़े और आपका वर्डप्रेस जो है वो रीसेट हो जाए, राइट, और आप नया काम उसके ऊपर कर सकें, या कोई प्रोजेक्ट आपने किया है कंप्लीट और उसके बाद क्लाइंट की होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट कर दिया है, अब आपने क्या करना है, इस पूरे वर्डप्रेस को रीसेट करना और दोबारा से इसी वर्डप्रेस पे काम करना शुरू करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू करनी है। तो किस तरह से रीसेट करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने जाना है ऐड न्यू के ऊपर। करंटली जो हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से शो हो रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे लिखना है WP Reset। तो ये एक प्लगइन है जिसका नाम है WP Reset। सिंपल आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा टूल्स के अंदर इसका कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। इस तरह से पॉपअप आएगा, बट इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। बाद लोगों के पास ये डिसमिस हो जाता है तो फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे वो हमें ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे टूल्स के अंदर आपको WP Reset का ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। तो सिंपल आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, अगेन स्क्रॉल, और यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, रीसेट का वर्ड लिखना है और रीसेट पे क्लिक करके पूरी वेबसाइट जो है वो रीसेट कर लेनी है। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको रीसेट करूँगा और यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर आके देखूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा जो वर्डप्रेस है वो रीसेट हो चुका है। और यहाँ पे हमारे जो प्लगइन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो भी प्लगइन्स आपको डिलीट करने हैं उन सब प्लगइन्स को आप डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे Astra Pro, Elementor Pro, Elementor और जो है इसके अलावा ये प्रीमियम साइट्स, इसको मैं रख लेता हूँ, बाकी सबको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो अभी भी सेम यही सिचुएशन और हमने प्लगइन्स डिलीट कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे Astra, और यहाँ पे देखें हमारा जो थीम है वो कंप्लीट रीसेट हो चुका है। अब कंप्लीट आप इसको नए सिरे से डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये Astra की टेम्पलेट्स आप यहां से देख के उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। Astra एक बहुत ही प्रीमियम थीम है जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, प्रीमियम टेम्पलेट्स। वन क्लिक के जरिए आप किसी भी तरह का डिज़ाइन या वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट सीरीज मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको Astra Pro, Astra प्रीमियम टेम्पलेट्स वाला जो प्लगइन है वो एक्टिवेट करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनता है चीप रेट्स के अंदर आप लोगों को Astra Pro और Astra एजेंसी प्लान आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ सेटअप कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरह की और कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।